नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपने अपना लास्ट वीडियो देखा, हमने पार्ट फर्स्ट, टू और थ्री में किया था एक्सप्लेनेशन और रीडिंग, जिसका नाम है मूर्ख विद्वान। अभी तीन दोस्त गए थे कि चार मित्र गए थे कहीं दूर शहर में अपनी विद्या का उपयोग करने। उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग तो किया, पर क्या वे बच पाए? क्या उनकी जान बच गई? उनको क्या हुआ? आइए अब लोग हम जानते हैं इसके लास्ट पार्ट में। सो आर यू रेडी? सो आइए अभी हम लोग चलते हैं इसके पार्ट फोर पर, जो कि है पेज नंबर 90 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरी में क्या हुआ, यानी कि कंक्लूजन पार्ट, कि क्या चारों मित्र बच गए या कोई भी नहीं बचा? आखिर इन सब में से मूर्ख विद्वान था कौन? तो अभी हम लोग चलते हैं रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पे। तब तीसरे विद्वान ने कहा, मैं उसमें प्राण फूंक सकता हूँ। फिर क्या था? पहले विद्वान ने हड्डियों को इकट्ठा करके ढांचा तैयार किया। दूसरे विद्वान ने उसमें चर्म, मांस और रक्त भर दिया। जैसे ही तीसरा विद्वान उसमें प्राण फूंकने के लिए आगे बढ़ा, चौथा मित्र चिल्लाकर बोला, ठहरो, इसे जिंदा न करो, देखते नहीं यह तो शेर बन गया है, इसे जीवित किया तो ये हमें खा जाएगा। ये मैंने बेटा आपको पिछले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि तीन मित्रों ने मिलकर अपनी विद्या का उपयोग किया और वह कौन सा प्राणी बन गया था? शेर। बाकी उसमें जान डालना ही बाकी था। तो चौथे मित्र ने क्या कहा? अरे ये तो शेर बन गया है, अगर इसमें आप जान डाल के इसको जीवित करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जिंदा हो जाएगा और ये हमें ही मार खाएगा। इस पर तीसरा विद्वान नाराज होकर बोला, मूर्ख, तुम मेरी विद्या पर शक करते हो? मैं इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। इस तरह तीनों मित्रों ने चौथे मित्र की बात नहीं मानी। तो तीसरे मित्र को बड़ा गुस्सा आया, वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुम्हें कोई समझ नहीं है, तुम ही मेरी विद्या पर शक कर रहे हो। इस तरह तीनों मित्र ने चौथे मित्र की बात नहीं मानी। तो तीन मित्र ने क्या किया? किसी ने भी उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। उनको लग रहा था इसको तो किसी का ज्ञान नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसलिए सब ने उसकी बात को नकार दिया, मतलब कि बोला कि तुम्हारी बात हम लोग नहीं मान सकते। तो फिर थोड़ा रुको। चौथे मित्र ने कहा और दौड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। फिर चौथे मित्र ने बोला, जैसे कि आपको पता है वो पढ़ा लिखा विद्वान नहीं था, पर उसमें सूझबूझ काफ़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो उन्होंने बोला, ठीक है तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम करो, पर मेरे को अपनी जान बचानी है। इसलिए वह दौड़कर चढ़ गया पेड़ के ऊपर। तीसरे विद्वान ने शेर को जीवित कर दिया। वह एक खूंखार शेर था। जीवित होते ही वह दाड़ कर उन पर झपटा और तीनों को मार डाला। तो क्या हुआ? जैसे ही वो शेर जीवित हो गया, इन सब ने मिलकर जैसे ही उसमें जान डाली तो वह जीवित हो गया। और सबसे पहले क्या किया? शेर ने दहाड़ा और तीनों विद्वानों को एक साथ मार गिराया। जब शेर वहाँ से चला गया, तब चौथा मित्र नीचे उतरकर अपने घर वापस लौट गया। तब चौथा मित्र पेड़ से उतरकर अपने घर वापस चला गया।
तो इस कहानी से आपको क्या पता चला असल में मूर्ख विद्वान कौन था? चौथा मित्र कि जो तीन मारे गए वो? नहीं, जो तीन मित्र थे जो मारे गए, जिसको शेर ने मार डाला, असल में वो मूर्ख विद्वान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया। तो आपके पाठ की सीख क्या है? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सूझबूझ होना भी बहुत ज़रूरी है। इस पाठ से आपको बच्चों सीख मिलती है कि पढ़ाई के साथ साथ सूझबूझ भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसने कहा, आपने मान लिया, आप सोचिए क्या ये गलत है या सही है, ये बात करने योग्य है या नहीं है, तो वो सूझबूझ आप रखिए। ठीक है, तो कैसा रहा आपका पाठ? समझ में आया? रीडिंग एक्सप्लेनेशन कैसा रहा? वेरी नाइस। ओके बेटा, तो आपका वर्कशीट पार्ट होगा रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अच्छे से पार्ट को रीड करेंगे और जो सारे नए शब्द मैंने बताए हैं वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतारेंगे। ठीक है, तो मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।